हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैनुला रोकाबोटी को किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इक्वेटोरियल गिनी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इक्वेटोरियल गिनी जो देश है उसकी जो है वो पहली प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज निकाला? तो दोस्तों, जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने ढूंढ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड ये कह रहा है कि कौन सा बैंक QR कोड आधारित क्वाइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट योजना शुरू कर रहा है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है QR कोड आधारित क्वाइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी अनुमानित की गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह यानी वर्ल्ड इन फेहत हारमोनी वीक किस महीने मनाया जाता है? तो दोस्तों, फरवरी में मनाया जाता है वर्ल्ड इन फेहत हारमोनी वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटरी पॉलिसी समिति ने रिपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो दोस्तों, 6.50% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर ने 126 रन बनाए और T20 क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है आंसर इसका शुभम गिल। नेक्स्ट बात करें, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो दोस्तों, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के साथ कौन सा मंत्रालय नमस्ते स्कीम लागू करता है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप में संन्यास लिया है? तो कमरान अकमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ने लगातार 6वीं वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? तो NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के भारतीय दावेदार कौन है? तो दोस्तों, शुभम गिल और मोहम्मद सिराज। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।